Hello everyone, so today I've come with another brand new video of Backpackers Expeditions. तो लाइक गाइस, मुझे पता है कि बीच में मैं कुछ टाइम एक्टिव नहीं रहा हूँ फॉर सिंस अ लॉन्ग टाइम. तो रीजन्स बहुत कुछ है, बट इस वीडियो में वो रीजन्स नहीं बताऊँगा. आई ओनली से दैट देर आर सम रीजन्स जो अगले वीडियो में मैं ऑब्वियसली बताऊँगा. कमिंग टू दिस वीडियो, ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इनके पहले वीडियोस में आई हैव शोन यू प्लेसेस इन कोलकाता वेयर यू कैन विजिट, बट यार शॉपिंग पे तो कुछ नहीं दिखाया. सो मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बनता है यार, कि कोलकाता आ रहे हैं तो शॉपिंग और फूडिंग का जो मेन हब है वो तो दिखाना बनता है बॉस. तो इस वीडियो में मैं कोलकाता का जो मेन फूड एंड शॉपिंग हब है वो दिखाऊंगा, उसके आसपास के प्लेसेस दिखाऊंगा, क्या क्या मिलते हैं वहाँ पे वो दिखाऊंगा. लाइक कोलकाता इज़ ऑब्वियसली नोन फॉर इज स्ट्रीट फूड, सो स्ट्रीट फूड तो वहाँ पे मिलेगा. इस कोलकाता में स्ट्रीट फूड आपको सब जगह मिलेगा, बट ये जगह बहुत ही फेमस है फॉर वेरियस ओकेजन्स. लाइक यहाँ पे ईद हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, दिस प्लेस रिमेन्स द सेम. यहाँ पे जो भीड़ होता है यू वोंट सी इन एनीवेयर एल्स. सो ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स प्रोसीड विद द वीडियो. ओके एंड गर्ल्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो, स्किप मत करना, वॉच द एंटायर वीडियो, बिकॉज यहाँ पे जो शॉपिंग थिंग्स टू शॉप है ना वो अराउंड 70% लड़कियों का ही है. तो यार बॉयज उम्मीद मत छोड़ना, बिकॉज देर आर थिंग्स दैट बॉयज ऑल्सो कैन बाई. सो गाइज, ऑल ऑफ यू वॉच टिल द वीडियो, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. थैंक यू. मेन लेन ऑफ स्प्लैनेट, यहाँ पे हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी. लाइक यहाँ पे ज्वेलरी हो जाए, फिर शूज़ वगैरह, लाइक क्लोथिंग्स. बट एक चीज़ जो भी आप लोग खरीदें ध्यान रखिएगा कि लाइक यहाँ पे यू नीड टू बार्गेन ए लॉट. अगर 200 का सामान हो तो दे विल टेल कि 600 रुपये 700 रुपये दाम है. तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मतलब वो 200 का ही सामान है, तो यू हैव टू रिड्यूस अराउंड 500 रुपीज़ फॉर दैट. रेड कलर का बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं हॉग्स मार्केट. वे बैक इन 1903 एक इंग्लिशमैन था, उसका नाम था स्टुअर्ट हॉग. उसके नाम पे ये मार्केट का नाम हुआ है. तो लाइक उसको अभी बाद में शॉर्ट फॉर्म करके हॉग्स मार्केट रख दिया है. इसके अंदर बहुत सारे मतलब बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लावर मार्केट टू गारमेंट्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर. वहाँ पे आपको मतलब स्ट्रीट का ये नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर आपका बहुत सारे दुकान से जहाँ पे आप खाना मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, फूड, क्लोथिंग, एनीथिंग दैट यू वांट. कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट कि आप शाम को आए, बिकॉज शाम को लाइटिंग भी अच्छा रहता है और आपको प्लेनेट का जो एक्चुअल एसेंस मतलब जो भीड़, जो मतलब सब कुछ ओवरऑल सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर आपको चाहिए होगा वो बेस्ट मिलेगा आपको शाम को.
जितना भी नहीं चाहते हो, ए वॉक डाउन द लेन्स थ्रू द स्ट्रीट्स इज़ अ मस्ट, बिकॉज यहाँ पे जब आप घूमोगे ना, तो कोलकाता का जो कल्चर है आप बेस्ट एक्सपीरियंस कर पाओगे।